डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामैट्रिक फॉर्म। ये पैरामैट्रिक फॉर्म होता क्या है? सबसे पहले ये देखें, इसमें एक्स एंड वाई दोनों ही गिवन होंगे किसी दूसरे वेरिएबल्स के टर्म पे। जैसे एक्स इक्वल टू एफ टी एंड वाई इक्वल टू जी टी, या एक्स इक्वल टू एफ थीटा या वाई इक्वल टू जी थीटा। इसका मतलब दस पैरामैट्रिक फॉर्म इक्वल टू एक्स एंड वाई आर गिवन आर एज फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल। जैसे एक्स इक्वल टू ए टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू बी टी क्यू, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या वाई इक्वल टू बी साइन थीटा। इन दोनों केस में फर्स्ट जो है वो एक टी के वेर फंक्शन है, सेकेंड एक्स एंड वाई बोथ आर फंक्शन ऑफ थीटा। देन dy by dx इक्वल टू dy by dt डिवाइड बाय डी एक्स बाई टी टी। अगर x एंड y दोनों t के फंक्शन है तो हम यूज करेंगे डिवाइडिक्स के लिए dy वाई बाई डी टी डिवाइड डी एक्स बाई डी टी। वहीं अगर x एंड y दोनों ही फंक्शन है थीटा के तो हम यूज करेंगे dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। क्वेश्चन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स इफ एक्स इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर और वाई इक्वल टू ए टी क्यू। जैसे कि दोनों ही फंक्शन एक्स एंड वाई दोनों ही टी के फंक्शन है तो दोनों को मुझे डिफ्रेंशिएट करना होगा टी के रेस्पेक्ट में। उसके बाद जैसे डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए डी वाई बाई डी टी बाय डी एक्स बाय डी टी। अगर यही क्वेश्चन थीटा के फंक्शन होते तो आप फाइंड करते डी वाई बाई डी एक्स के लिए डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाय डी एक्स बाई डी थीटा। सो नाउ एक्स इक्वल टू टू ए टी स्क्वायर डिफरेंशिएट डी एक्स बाई डी टी। टू ए इज कॉन्स्टेंट तो बाहर रखेंगे इसको आप डी बाई डी टी स्क्वायर। तो जैसा कि हमें पता है फॉर्मूला डी बाई डी एक्स एक्स टू पावर एन इक्वल टू एन एक्स एन माइनस वन। सो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपके लिए टू ए और हो जाएंगे टू टी हो जाएंगे फोर ए टी। उसी तरह से आप वाई फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी टी, वो हो जाएंगे आपके एक कॉन्स्टेंट है तो डी बाई डी टी टी क्यू। इस इक्वल टू तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएंगे थ्री ए टी स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना था डी वाई बाई डी एक्स तो डी वाई बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी टी डिवाइड डी एक्स बाई डी टी। तो दोनों के आंसर को आप डिवाइड कीजिए, वो हो जाएंगे आपके आंसर। तो पहले आंसर है आपके पास थ्री ए टी स्क्वायर, आपके पास डी वाई बाई डी टी जो है वो थ्री ए टी स्क्वायर है। उसी तरह से उसके बाद डी एक्स बाई डी टी वो आपके पास है फोर ए टी। तो कैंसिल करेंगे तो थ्री बाई फोर टी।
Next question, if x equal to a cos theta and y equal to b sin theta, then find dy by dx. तो जैसे कि x and y दोनों ही theta के function है, तो मुझे find करना होगा dy by d theta and dx by d theta. So now x equal to a cos theta, so dx by d theta, a constant है आपके, तो d by d theta cos of theta, जो कि हमारे आंसर हो जाएंगे a minus sin theta, क्योंकि differentiation of cos theta minus sin theta. उस तरह से y बराबर dy by d theta, जो कि आपके हो जाएंगे b d by d theta sin theta b, और differentiation of sin theta equal to cos of theta. अब आप find करना है आपको dy by dx, उसके लिए dy by d theta divide by dx by d theta. तो जो कि different answer है dy by d theta equal to b cos theta, तो लिखेंगे आप b cos of theta divide by a minus a sin theta. Finally आपके जो answer हो जाएंगे, थोड़ा cancel करेंगे तो this is minus b by a cos by sin equal to cot theta, and so dy by dx में आपके equal to minus cos minus cot theta. क्वेश्चन नंबर 3, इफ x इक्वल टू रूट अंडर a sin इनवर्स t एंड y इक्वल टू रूट अंडर a cos इनवर्स t, तो आई स्टार्ट करें. x इक्वल टू a रूट अंडर sin इनवर्स t, तो जैसा कि इसमें फर्स्ट में ही रूट है, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लेंगे. x square equal to a sin inverse t. तो अब चाहे तो फंक्शन किसी के पावर में अगर कुछ ज्यादा टर्म्स हो तो आप लॉगरिथम का यूज कर सकते हैं, हम यूज कर ले रहे हैं. टेकिंग log both sides, तो अब ये हो जाएंगे log of x square log a sin inverse t. तो कुछ फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे, log of a to power n equal to n log a t by dx sin inverse x equal to 1 by root under 1 minus x square d by dx cos inverse x barabar minus 1 by under 1 minus x square. कुछ formula जो use करेंगे, तो इसी तरह से अगर हम यहाँ आगे बढ़े तो 2x फॉर्मूला फर्स्ट के अकॉर्डिंग लॉग ऑफ टू लॉग एक्स, और इसी तरह से ये जो है वो साइन इनवर्स टी बाहर आ जाएंगे लॉग ऑफ ए. थोड़ा फॉर्मूला को रफ कर दे रहे हैं.
differentiate to 2 bar d by dx. चूंकि ये फंक्शन जो है वो टी का है, इसलिए हमें टी के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करना होगा. लॉग ऑफ एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ ए इज दिस साइड, वो कांस्टेंट है, तो इसलिए डी बाय डी टी साइन इनवर्स टी, ये हो जाएंगे लॉग ऑफ एक्स. बट डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में करना है, तो आप लिख सकते हैं सिंपल लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, बट बदले में आपको लिखना होगा डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू लॉग ए इज कॉन्स्टेंट. अभी अभी हमने जिक्र किया कि डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इसी का यूज करते हुए अगर हम यहां से बनाए रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, उस तरह से हमारे पास ये जो dx by dt है वो क्रॉस मल्टीप्लाई x log a by 2 times 1 minus t square. Now उसी तरह से हम y को डिफरेंशिएट करेंगे इस पर, तो y के लिए भी सेम काम, y इक्वल टू रूट अंडर a cos इनवर्स t, क्योंकि y भी एक रूट के साथ है, तो y स्क्वायर कर लेते हैं a cos इनवर्स t, क्योंकि y इधर कुछ कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स हैं, तो फिर आप टेकिंग कर लीजिए log ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू log a cos इनवर्स t. तो फिर ये जो पूछेंगे फॉर्मूला 2 log ऑफ y इक्वल टू cos इनवर्स t log ऑफ a, तो सिमिलर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आप a2 को बाहर रख सकते हैं d by dt, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो t के थे, इसलिए log ऑफ y log of a is constant here, so d by dt cos inverse yes. So आगे प्रोसेस करते हैं. आगे प्रोसेस करेंगे तो 2 log y का डिफरेंशिएशन हो जाएंगे 2 by y साथ में divide by tt, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो t के थे, इधर log a कांस्टेंट है, और हमने जैसे जिक्र किया था कि cos inverse के भी डिफरेंशिएशन जो होते हैं वो -1 by root under 1 minus t square. सो यहां से हम dt फाइंड करना चाहेंगे, तो हो जाएंगे वो 2 y log a minus then 2 times 1 minus t square. जैसा कि कुछ देर पहले देखे थे हमारा dx by dt क्या थे, तो वो है minus x log of a by 2 root under 1 minus t square, थे वहाँ plus थे. सो फाइनली जब आप डिवाइड बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, तो जाएंगे डिवाइड बाई डी टी डी एक्स डिवाइड बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी. जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे इस जगह पर, तो आपके लॉग ए कैंसिल हो जाएंगे, 2 कैंसिल हो जाएंगे, ये और ये भी कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपके पास ज्वाइन है वो है माइनस वाई बाई एक्स. ये जो है डिवाइड बाई डी टी डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी टी जब करेंगे आप,
लॉग ए, लॉग ए दोनों में है वो कैंसिल हो जाएंगे, टू टू दोनों में है वो कैंसिल हो जाएंगे, और ये टू टर्म है ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे।